अल्लाह रहमान रहीम। उर्दू पाकिस्तान के साथ मैं हूं राशिद गफ्फार। आज का जो वाकया मैं आपके सामने रखूंगा, सियालकोट में कुछ दिन पहले एक वाकया पेश आया था जो आपने देखा था। गैर मुल्की एक था, पाकिस्तान में श्रीलंकन था, जो पाकिस्तान सियालकोट के इलाका फैक्ट्री में काम किया करता था। मुश्तिल अफराद ने बेहरमती का इल्ज़ाम लगा के उसको कत्ल कर डाला। ऐसा ही वाकया ये खानवाल की तहसील है तुलुम्बा जहाँ पर पेश आया। खानवाल का इलाका है तुलुम्बा जहाँ पे पेश आया, मियाँ चनू से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पर इलाका है तुलुम्बा, वहाँ पर यह वाकया पेश आया। नामालूम शख्स के ऊपर मुश्तिल हजूम ने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने कुरान पाक के औराक को जलाया है। ये वाक़े का सुनते ही लोग जो थे जोक दर जोक जमा होना शुरू हो गए, और कुछ लोग तो फिर इस कदर मुश्तिल हो गए कि उन्होंने इस शख्स को मारना शुरू कर दिया। इस शख्स को इतना मारा गया कि ये तशद्दुद बर्दाश्त ना करते हुए इस खालिक़े हकीकी से जा मिला। लोग हजूम जो था मुसलसल मारते जा रहा था, लोगों ने मुक्को गूंसों और टांगों से भी शख्स को मारा। मारने के बाद इसकी लाश को दरख्त के साथ लटका दिया गया। याद रहे ये मियाँ चनू के पास है तुलुम्बा, तुलुम्बा के पास तारा मोड़ जो है वहाँ पर ये वाकया पेश आया। मदरसा है जो है शाह मकीम के करीब, मुश्तिल अफराद ने लाश को घेरे में ले लिया और शदीद नारेबाजी भी की। कत्ल होने वाले शख्स का ताहाल ये पता नहीं लग सका, ये कौन था, कहाँ का रहने वाला था और यहाँ क्यों आया था। इस वाक़े का वज़ीर आला उस्मान बज़दार ने नोटिस लिया है। उस्मान बज़दार के मुताबिक ऐसे अनासर को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। मेरे मुल्क में इससे पहले भी बेशुमार कई वाक़यात हो चुके हैं, ये भी उसी तरह का वाक्या है। मुश्तइल अफराद ने ख़ुद अपनी अदालत लगा ली और एक शख्स को कत्ल कर दिया जबकि पाकिस्तान में कानून मौजूद है। थाना तुलुम्बा की पुलिस और मुख्तलिफ अजला से पुलिस मौका पर पहुंचना शुरू हो गई। मुजाहरीन ने नाश को दरख्त के ऊपर लटका दिया और शदीद नारेबाजी की। ये अभी कहना कबलज़ वक़्त है, इस शख्स ने बेहुरमती कुरान मजीद को जलाया है या नहीं जलाया, ये अभी कहना कबलज़ वक़्त है क्योंकि ये शामिल तफ्तीश के बाद पता चलेगा। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक जो हजूम है अभी भी मौजूद है वहाँ पे, और पुलिस जो है खड़ी है, मजीद नफरी तलब की जा रही है। इसी तरह का वाकया वो सियालकोट में भी आप देख चुके हैं पेश आया। अवाम जो है वो खुद देखते नहीं हैं और सुनी सुनाई बातों पर कुछ लोग मुश्तिल हो जाते हैं। इस शख्स की उम्र तकरीबन 50 से 55 के लगभग है। जब पुलिस दरियाफ्त किया गया तो उनका यही कहना था कि इसके बारे में हम नहीं जानते ये कौन है। इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर देना, अब इसने जुर्म किया है या नहीं किया ये तो अल्लाहु आलम या तफ्तीश के बाद पता चलेगा, मगर ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। और अभी पुलिस की बारी नफरी मौका पर पहुंचना शुरू हो गई है, देखते हैं आगे क्या होता है। तफ्तीश के बाद असल हकायक सामने आएंगे कि वाकया क्या है, इस शख्स को क्यों कत्ल किया गया, क्या वाकया ही इसने कुरान पाक की बेहरमती थी की थी, कुरान को जलाया था या नहीं जलाया था, ये सब बातें करना ही कबलज वक़्त हैं। हजूम के मुताबिक इस बंदे ने बेहरमती की थी इसलिए इनको मार डाला। और उस्मान बज़दार वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उस्मान बज़दार उनका नोटिस भी आ गया है कि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। अवाम से आखिर पे यही गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसे वाकयात हो भी जाते हैं तो कम से कम हौसला हमें रखना चाहिए। हमारे मुल्क में कानून मौजूद है, ना कि कानून को अपने हाथों में लिया जाए। पाकिस्तान में इस तरह के बेशुमार वाकयात हो चुके हैं जिसकी आज ये भी एक कड़ी है। हमारे लिए अलमिया यही है कि हम कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान राशिद गफ़ार को दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।